योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर सीट से भरा नामांकन। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार योगी, नामांकन दाखिल करके गोरखनाथ मंदिर में किया मंत्रोच्चार। गाडरवारा में किसान मोर्चा के आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन। समस्याएं हल नहीं होने पर विधायक सुनीता पटेल ने दी धरने पर बैठने की चेतावनी। अनूपपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। प्लास्टिक डिब्बों में छिपाकर ले जाते हुए 2280 किलो लहान किया जब्त। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज। मध्य प्रदेश में 6 फरवरी तक भरे जाएंगे 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम फॉर्म। विभाग ने 900 रुपए रखा शुल्क। तय वक्त में नहीं भरने पर देनी होगी 10,000 रुपए लेट फीस। मध्य प्रदेश में कोरोना के 6,516 नए मामले सामने आए। भोपाल में 1,288 तो जबलपुर में 446 और ग्वालियर में 129 पॉजिटिव मिले। प्रदेश में 9 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। गाडरवारा के चीचली नगर परिषद में कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन में समर्थन देने पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं अवैध शराब जैसी अनेक समस्याओं को लेकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही विधायक सुनीता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 8 तारीख तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो वो जिला मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगी। क्षेत्र में अवैध जो रेत का क्षेत्र में लोगों को रेत नहीं मिल रही, चाहे आवास के लिए हो या निर्माण कार्यों के लिए हो। पूरे क्षेत्र में जुआ सट्टा चरम पर है। गांव-गांव में शराब जा रही है। ऐसी अनेक समस्या है, इनको लेकर मैं जिला प्रशासन के सामने 8 तारीख को धरना पर बैठूंगी। जैसे मांगे नहीं होती तो कब तक बैठने? जब तक मेरी मांग पूरी न हो निश्चित। मैं जब कोई मांग करती हूँ, मैं पहले से अधिकारियों को अवगत करा चुकी इन चीज़ों से कि इन पर रोक लगाई जाए। आज 2 साल हो गए लोगों के BPL नहीं बने हैं। आज लोग राशन नहीं मिल रहा। जो भी जो मांग है सरकार प्रशासन को करना चाहिए, नहीं कर पा रहे। तो जब तक ये समस्याओं का समाधान नहीं होता, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। राजधानी रायपुर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीएम भूपेश बघेल से अनुरोध किया था कि राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत राशि में बढ़ोतरी की जाए। इसके बाद सीएम भूपेश ने 6 से बढ़ाकर 7,000 रुपए सालाना ऐसे कर दिया। इस योजना के तहत 3,55,000 भूमिहीन किसान मजदूरों के खाते में अब सालाना 7,000 रुपए डाले जाएंगे, जिसका भुगतान सीधे 3 किश्तों में किया जाएगा। और आज छत्तीसगढ़ में हम बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। हमने आपसे पहले वायदा किया था 2,500 रुपए, चाहे कुछ भी हो जाए, छत्तीसगढ़ के किसान को मिलेगा। और हमने करके दिखाया। और चुनाव के समय हमने नेताओं से बात की थी और उस समय हमने कहा था कि किसान के साथ हमारे प्यारे मजदूर भी काम करते हैं, और अगर हम किसानों की मदद करते हैं तो फिर हमें छत्तीसगढ़ के गरीब मजदूरों की भी मदद करनी पड़ेगी। और ये पहला कदम है। ये मत सोचिए छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को, ये नहीं सोचना चाहिए कि बात यहीं अटक जाएगी। बात यहां नहीं अटकेगी। ये पहला कदम है। आपका धन है, ये धन हम आपको वापस दे रहे हैं। 1,000 रुपए देने की बात नहीं है, क्या उसका राहुल गांधी जी ने कहा है निश्चित रूप से आने वाले समय में। सर राजधानी में बड़े सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र में 2 साल पहले नदियारो कोरबा की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का कहना है कि जादू टोना के संदेह से घटना को अंजाम दिया था। वहीं आरोपी ने कहा कि उसके नातिन को नदियारों ने जादू टोना किया था। आरोपी पवन साय ने नदियारों को 2 किलो के तराजू के बाट से 2 बार मार कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद हत्या के 2 साल बीत जाने के बाद आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है, जिन्हें बतौली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में न्यायालय ले जाकर पेश किया।
छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। 3 दिन में तापमान में बढ़ोतरी के बाद अब फिर से एक बार बारिश और तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि अब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा आने के कारण 5 फरवरी तक पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। अभी फिलहाल चूंकि अरब सागर से पश्चिमी हवा है वो नमी लेकर के आ रहा है। दूसरी चीज है कि बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी हवा नमी लेकर के आ रहा है, जिसके कारण से आज ईस्ट MP के ऊपर जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर विंड का इन्फ्लुएंस जोन बनने की संभावना है, जिसके कारण से सरगुजा और बिलासपुर संभाग में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। सरगुजा संभाग में 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी संभावित है। दुर्ग और रायपुर संभाग की बात करें तो दुर्ग और रायपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 5 तारीख से मिनिमम टेम्परेचर है 3 से 4 डिग्री, अगले 3 दिन में गिरने की चांसेस है, साथ ही मैक्सिमम टेम्परेचर है 1 से 2 डिग्री है। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी जगहों के नाम बदलने का दौर शुरू हो गया है। लिहाजा होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम और बाबई का माखन नगर कर दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राजधानी भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम बदलने को लेकर मैंने सरकार से पहले भी कई बार अपील की थी। वो शहर और गांव के नाम जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं रहे, इसी संकल्प के साथ होशंगाबाद का नाम बदला गया है। नर्मदा मैया की कृपा पूरे मध्य प्रदेश में हमारी जीवन दायिनी है नर्मदा जी, और नर्मदा जी के किनारे बसे हुए होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम कहा जाएगा। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि यह हमारा भगवा एजेंडा है, यदि वो इसको भगवा एजेंडा मानते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हर गुलामी के प्रतीक को बदलेंगे। मैंने पहले भी कहा था सबसे पहले भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मुहिम मैंने शुरू की थी और उस समय मैंने सरकार से मांग की थी। मैं फिर ये चाहूँगा कि भोपाल का नाम भी अब भोजपाल के नाम से जाना जाए और उसके लिए मैं पत्र भी लिख रहा हूँ। बहुत प्रसन्नता की बात है कि बाबई को भी अब माखन नगर कहा जाएगा। ये हमारा देशभक्तों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का की मुहिम है। अनूपपुर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग ने जीमर नाला किनारे कई स्थानों से 2,280 किलो लहान से भरे 152 प्लास्टिक के डब्बे बरामद किए हैं और जब्त लाहन की कीमत लगभग 45,000 रुपए बताई जा रही है। प्लास्टिक के डिब्बों को जमीन में गाड़कर छुपाया गया था, जिसे आबकारी अमले ने जमीन खोदकर बरामद किया है। वहीं मौके पर कई आरोपी नहीं मिलने से लाहन को जब्त कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 34(1)(4) के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश में गुलामी के प्रतीक चिन्हों के नाम बदला ये स्वागत और अभिनंदन योग्य फैसला है। साथ ही उन्होंने तीखे अंदाज में कहा कि हुमायूं, बाबर, अकबर और औरंगजेब ये सभी लुटेरे थे, इनके नामों निशान मिटा दिए जाने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उनने जो संगसा लुटेरे के नाम से होशंगाबाद का नाम था उसको बदलकर पहले नर्मदापुरम संभाग किया और अब मां नर्मदा की गोद और आंचल में खेले हुए शिवराज जी ने अपनी मांग को दोहराते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से अब उस स्थान को नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। होशंगाबाद लुटेरे के सारे जितने भी कलंक हैं वो सब धोए जाएंगे और ये भारत के अंदर एक अच्छी प्रवृत्ति शुरू हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जो लुटेरे हैं, जिनने इतिहास को लूटा है, जिनने मठ और मंदिर तोड़े हैं, ऐसे लुटेरों के नाम पर अगर कोई नगर और शहर है तो उनको भी बदला जाए। अब्दुल्लागंज क्या है इसको बदलो, रामगंज करो, ऐसे सारे नाम बदलो, शाहजहां
ना बात क्या है इसके बदलो। और इसलिए क्योंकि इन जिनके नामों के पीछे भारत का कोई इतिहास ना हो, जिनके नामों के पीछे भारत की कोई प्रभुता ना हो, भारत की एकता ना हो, भारत की अखंडता ना हो, केवल वो नाम एक आतताई आक्रांता और लुटेरों के रूप में हो और उनके नाम लेकर हम जो है नगर और शहरों में निवास करें, ये अपराध है, ये पाप है। बुरहानपुर के मोहम्मदपुरा स्थित स्पिनिंग मिल में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसमें करोड़ों की कपास जलकर खाक हो गई है। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने मदद से आग पर काबू तो पाया गया, वहीं स्पिनिंग मिल में भीषण आग लगने से कई लोगों की भीड़ वहां जुट गई थी। अलीराजपुर के आंबुआ में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी चांद्रा ने आपसी रंजिश के चलते व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गया। मामले में परिजनों सहित ग्रामीणों ने काफी आक्रोश जताया और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश में जुट गई है। रायपुर के चंगोरा भाटा रहवासियों को बेदखल करने के विरोध में भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम का घेराव किया, साथ ही राज्य सरकार और निगम महापौर एजाज ढेवर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्षेत्र में सालों से गुजर बसर करने वाले 270 रहवासियों को रेलवे प्रबंधन ने घर खाली करने का नोटिस दिया था, जिससे भड़के रहवासियों ने भाजपा पार्षद दल के साथ मिलकर निगम प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास के तहत उन्हें विस्थापित करने की मांग की है, जिसमें निगम आयुक्त ने हितग्राहियों की जांच कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आवंटित करने का आश्वासन दिया है। रेलवे विभाग के द्वारा अपनी रेल लाइन के विस्तारीकरण के संबंध में कुछ अतिक्रमणकारी झुग्गी बस्तियों में हटाए जाने के नोटिस दिए गए, जिसके संबंध में भाजपा विपक्षी दल के पार्षदों के द्वारा यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है। इसमें नगर निगम के द्वारा ना होकर ये रेलवे विभाग द्वारा उन्हें हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। इनकी मुख्य मांग हमारे नगर निगम से ये है कि हम उन्हें विस्थापित करें, तो रेलवे विभाग द्वारा जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसके पश्चात विस्थापितों को नियमानुसार यदि आवास की पात्रता बनती होगी तो हम अपने निगम से वो कार्यवाही करेंगे। भाई जो मांग हो रही है, इनका मांग है कि अगर वहाँ हटाया जाता तो आप लोग में आवास की व्यवस्था है। अभी मैंने यही कहा कि वो कौन लोग हैं, किन लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि निगम के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, इसलिए मैं अभी तात्कालिक रूप से नहीं बता पाऊंगा उनकी पात्रता अपात्रता के संबंध में। महापौर जी की अकर्मण्यता और नगर निगम की लापरवाही के कारण आज ये हितग्राही, आज रायपुर शहर की गरीब जनता जिनके सर पर आज छत होना था, वे सब यहाँ पर निरीह प्राणी के जैसे बैठे हैं। नगर निगम प्रशासन, महापौर और कांग्रेस की सरकार मूक दर्शक की भांति इनको देख रही है। ये बिचारे, और हद तो तब हो जाती है जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना था सन 2022 तक प्रत्येक गरीबों के सर पर छत होने का, इन अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये योजना फलीभूत नहीं हो पा रही है। और हद तो तब हो जाती है जब चंगोरा भाटा में पूरा प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे होने के बावजूद इन परिवारों को इनकी फाइलें दबा दी जा रही है, रोकी जा रही है एक द्वेष के तहत। इन सब विषयों को लेकर आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। महापौर जी का इन अधिकारियों से रिश्ता क्या कहलाता है हमको समझ में नहीं आता। ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना की एक भी बार समीक्षा बैठक होती है, ना नगरीय प्रशासन मंत्री समीक्षा लेते हैं, ना आयुक्त महोदय अपने अधिकारियों की समीक्षा लेते हैं। और लगभग 270 परिवार जो कि रेलवे पटरी के किनारे रहते हैं, अचानक इनको नोटिस दिया जाता है कि एक हफ्ते के आपको अंदर आपको पटरी से हटाया जा रहा है। 5,000 से अधिक मकानों को झोपड़ पट्टी को हटाया जा रहा है। पर्वती नगर, काली नगर, त्रिमूर्ति नगर और सरुना के आसपास, सरुना से लेकर वाल्टियर रेलवे पट्टी तक, जहाँ तक रेलवे पट्टी के दोनों तरफ लोग फंसे हुए हैं, इनको हटाया जा रहा है। चंगोरा भाटा तमाम वार्डों के झोपड़ पट्टी के लोगों को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बेदखली किया जा रहा है। अब इनको मकान नहीं देने की बात की जा रही है, 7 दिन के अंदर मकान खाली करने की बात की जा रही है। पुलिस बल और प्रशासन के डंडे के बल पर गरीबों को मकान खाली कराने की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस के विरोध में गरीबों को हक दिलाने के लिए, इनको मकान दिलाने के लिए भाजपा पार्षद दल नगर निगम में महापौर को घेरने के लिए आई है, नगर निगम प्रशासन को घेरने के लिए आई है। उनसे जवाब चाहती है कि गरीबों को मकान कब मिलेगा, और जब तक मकान नहीं मिलेगा तब तक उनको रेलवे पट्टी के किनारे से या किसी भी झोपड़ पट्टी से खाली न कराया जाए, हमारी मांग। कभी दुकानों पर बर्तन साफ करते तो कभी ढाबे पर लोगों को भोजन परोसने का काम करने वाले किशोर अब
भोपाल में पढ़ाई करेंगे। बच्चे की गरीबी को देख एसपी प्रदीप शर्मा ने न सिर्फ बंधुआ मजदूरों से उसे मुक्त कराने में सहयोग किया, बल्कि अब उसकी पढ़ाई के लिए वे आगे भी आए हैं, जिसके लिए उन्होंने किशोर को स्कूल में दाखिला दिलाने की बात कही। साथ ही उन्होंने बच्चे की जरूरत पूरी करने का आश्वासन भी दिया है। इस बात से नाबालिग भी बेहद खुश है कि वह अपना सुनहरा भविष्य बना सकेगा। अभी इसको बालग्राम भोपाल में भेजा जा रहा है, वहाँ पर इसके रहने खाने पढ़ाई का प्रबंध शासन द्वारा किया जाएगा। साथ ही ये बच्चा चाइल्डलाइन के माध्यम से आज मैंने आया भी था मिलने के लिए, तो हम लोगों ने फैसला लिया है पुलिस परिवार की तरफ से कि इसकी जो भी किताबों का खर्चा होगा, जो भी ये पढ़ना चाहेगा, वो हम लोग स्वयं उठाएंगे। बच्चे को ड्राइंग का बहुत शौक है, उसने अभी एक ड्राइंग भी हम लोगों को बताई जो हम लोग ऑफिस के बाहर लगवा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, साथ ही इसके भाई को भी हम लोग जल्दी रेस्क्यू करके वहां पर रिहैबिलिटेट करने का प्रयास करेंगे। खुद एसपी सर ने आपको कुछ गिफ्ट किया? अच्छा लग रहा है। कहां पे जा रहे हैं? एसओएस बालग्राम में जा रहे हैं। कहां पे है ये? भोपाल। भोपाल है, वहां जाकर पढ़ाई करोगे? अभी कौन सी पढ़ रहे थे? अभी चौथी में पढ़ा हूं मैं। चौथी पढ़ा है, अब वहां पर जाके पढ़ोगे? हां। चाइल्ड लाइन ने जो मदद की उस अच्छी मेरी मदद। उज्जैन संभाग के डीआईजी ने शाजापुर जिले के थानों का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। डीआईजी ने कोतवाली थाना और लालघाटी थाने पर किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया, और साथ ही साथ थाना कोतवाली पर शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हुए लोगों से उनका चर्चा कर फीडबैक भी लिया। आज जैसे यहाँ पर जितने लोग भी आए, चाहे किसी भी काम से थाने आए, चाहे वो अपने वेरिफिकेशन के कंसर्न में आए, चाहे अपने एफ आई आर लिखाने आए, चाहे शिकायत करने आए, चाहे कोई भी कंप्लेन करने आए या किसी जांच में बुलाया गया, तो उनका डिटेल लिखा जाता है। और उसके पीछे उद्देश्य वही है कि हम हमारी जो पारदर्शिता हम उसमें अधिक से अधिक रखें। सर, जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पिछले दिनों आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसी गई है, आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है, बहुत अच्छी कार्रवाई हो। अभी जैसे एक कुछ दिन पहले ही इन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में शराब पकड़ा जो है, और थाना मक्षी में जो है, और दूसरे अपराधों में भी काफ़ी अच्छा नियंत्रण है। और सामान्य तौर पर अभी किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है, और कानून व्यवस्था भी आप देख रहे होंगे, टोटली कानून व्यवस्था में कोई ऐसी अप्रिय स्थिति अभी तक काफ़ी दिनों से निर्मित नहीं हुई। इसका मतलब है कि पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएँ हैं पुलिस की, काफी। भोपाल जिले के बैरसिया स्थित गौसेवा भारती गौशाला में सैकड़ों गायों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने चौपड़ बाजार से बस स्टैंड चौराहे तक पैदल मार्च निकाला और गौ माता का पूजन भी किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर आरोपी संचालिका निर्मला देवी शांडिल्य पर गौ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि गौशाला में सैकड़ों गायों की मौत होने पर दोषी को बचाने की कोशिश की जा रही है, यह लाखों लोगों की आस्था पर कुटारक हाथ है। इसके साथ ही उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कार्रवाई की मांग की है कि जो दोषी लोग हैं, जो ये पूरा जो जो श्रीमती निर्मला सांडिल के जो और प्रबंधन है इस गौशाला के, इन सब पे कार्रवाई होना चाहिए। गौ माता को हम वो मानते हैं कि घरों के अंदर आज भी पहले रोटी उनके नाम की रखी जाती है, फिर बाकी घर के लोग खाते हैं, तो वो हमारी संस्कृति को यहाँ आज मिटाया गया है, इसलिए उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। 302 में चाहिए और बहुत सी धाराएं हैं। ये अपना गृह मंत्री ने बयान दिए कि 9 गायों को जो पोस्टमार्टम हुए थे, उस कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं? ये जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें यह आया कि बीमार थी वो थी, तो जब चारा नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, चूना मिलेगा, तो बीमारी रहेंगी ना। तो ये चूने की पुष्टि हुई है क्या सर? अभी ये इसको तो पब्लिश करना है, इनको पुष्टि तो हुई है, लेकिन छुपाया जा रहा है ना, यही तो हमारा वो है। ये इन सब चीज़ों आंकड़ों को लेकर क्या कहना है आपका, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है कि 850 मिली है, कुछ लोग कह रहे हैं 100 मिली है, कुछ लोग 50, तो आपके आंकड़े लगभग क्या है? मेरे ख्याल आपने भी तफ्तीश की होगी, 1000 से कम नहीं है। और ये मामला केवल बेरसिया में नहीं, ये दतिया में भी हुआ है, ये मुरैना में भी हुआ, आगर में हुआ, ये लगातार ये चल रहा है। तो इसका कारण क्या है कि मतलब गौ माता पूरे प्रदेश में परेशान, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि ये गौ संवर्धन बोर्ड बनाया है, ये इनके काम है देखने की, ये देख नहीं रहे, और ये पैसा लेके
ये काफी गए विधायक निधि से ले लिया, सांसद निधि से, ये एक बड़ा कांड है, घपला है। इसीलिए हम कह रहे हैं इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच हो, हाई कोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी, और ये सब मामले हम विधानसभा में उठाएंगे। मंदसौर में प्रशासन अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई करते हुए न्यायालय रोड पर अवैध 10 दुकानों को नगर पालिका अमले ने जेसीबी से धराशायी कर दिया। बताया जा रहा है कि बिना अनुमति के 10 दुकानें व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्माण की गई थी, जिसको लेकर प्रशासन ने नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगे थे, लेकिन इस पर कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया गया। वहीं नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर अवैध बनी दुकानों को तोड़ दिया। इस दौरान पुलिस बल का अमला भी वहां मौजूद रहा। सर, बस्ती मार्केट के पास में दुकानें थी, किस तरह से बनाकर क्यों खोला जा रहा है? न्यायालय मार्ग पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से बगैर अनुमति के मार्केट का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें 10 दुकानें बनाई जा रही थी। इन्हें नोटिस देकर के कार्य को रोका भी गया और संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलने एवं अनुमति प्राप्त नहीं होने पर आज नगर पालिका और राजस्व विभाग के संयुक्त कार्रवाई से इसे डिसमेंटल किया जा रहा है, और यह कार्यवाही लगातार शहर में जारी रहेगी ताकि बगैर अनुमति के कोई भी निर्माण करने की हिम्मत ना करें। जमीन सरकारी है सर? भूमि तो व्यक्तिगत है, किंतु इस पर किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें खबर भारत में लगातार जारी हैं। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत।